Yo, what's up guys, this is Tabby and Ansari and I'm back with another video. So guys, today's scene is that I have my BMX out here. And guys, today I'm going to change my paint for my BMX. Here, the frame is in black color and the rest of the parts are black. बस इसका जो हैंडलबार है एंड फोक है वो ब्लू कलर का है, तो मैं आज ये चेंज करने वाला हूँ और इसको भी फुल ब्लैक करूँगा. तो अभी मुझे फुल ब्लैक राइड करना है. एंड जो इसका मेरा रियर अप है ये क्रोम कलर का है एंड स्प्रॉकेट जो है जेट फ्यूल कलर है. तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे मैं इसको पेंट करूँगा आज. और मैंने यहाँ पर ऑलरेडी टेस्ट करा हूँ, यहाँ पर कलर निकाला था, तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा फिनिश आया है इसमें. तो बाकी का कलर भी ऐसे मैं निकालता हूँ अभी और बताता हूँ कि कैसे मैं निकालता हूँ. और जल्दी स्टार्ट करते हैं अभी. सो गाइज, अभी पार्ट्स तो सारे निकाल दिया मैंने और अभी जो है वो पेंट रिमूव करने का टाइम है. तो अभी पेंट को रिमूव करेंगे, उसको सैंड करेंगे और फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप बताता हूँ. तो ये मेरा हैंडल बार मैंने रिमूव किया है एंड मैंने पूरा फोक को रिमूव कर दिया है. एंड ये मेरा टोटल बाइक का स्टेम.
सो गाइज अभी फाइनली पूरा पेंट अच्छे से रिमूव हो गया है. मैंने उसको सैंड पेपर से घसा और 320 ग्रिड का सैंड पेपर मैंने यूज़ किया, तो अभी पूरा अच्छे से क्लीन हो गया है. और अभी आप देखो कैसा मैंने क्लीन किया. पूरा पेंट तो अच्छे से रिमूव हो गया है. अभी इसको एक बार क्लोथ से अच्छे से पूरा साफ करना है एंड देन उसके बाद में स्प्रे पेंट करेंगे हम. सो गाइस मैंने यहाँ पर बार और फोक को अच्छे से बांध दिया है और ये मेरे पास बॉसी का पेंट है, स्प्रे पेंट ब्लैक कलर का और ये शाइन वाला ब्लैक है. सो गाइज यहाँ पर एक प्रॉब्लम आ गई है. स्प्रे पेंट करने के बाद में यहाँ पे प्रॉपरली उसने पेंट पकड़ा नहीं है. तो यहाँ पे स्प्रे पेंट का क्वालिटी इतना अच्छा नहीं था और मैंने प्राइमर भी यूज़ नहीं किया था, तो इसलिए बहुत आसानी से वो निकल जा रहा था. तो उसके बाद में मैंने पूरा पेंट को रिमूव किया एंड मैंने पाउडर कोटिंग के लिए दे दिया और उसके बाद में आप रिज़ल्ट देखो कैसा मिला है मुझे.